I will start another topic of your unit 1 Thermoregulation and Cold Tolerance. This topic is Heat Balance and Energy. Now, we know that the body tightly regulates the body temperature through the process called thermoregulation.

ये जो रेंज है टेम्परेचर का ये प्लस माइनस पॉइंट फाइव से वेरिएशन इसमें आ सकती है किसी किताब में ये जो रेंज है टेम्परेचर का थर्टी सेवन से थर्टी सेवन पॉइंट एट तक है किसी किताब में या किसी रेफरेंस में आपको ये थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू थर्टी सेवन पॉइंट फ़ाइव की रेंज में मिलता है तो ये जो कोर टेम्परेचर है इसके अंतर्गत ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए ना इससे ऊपर ना इसके नीचे इन द प्रोसेस ऑफ ए टी पी प्रोडक्शन बाई सेल थ्रू आउट द बॉडी अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इन फॉर्म ऑफ हीट जैसे हम पिछली लेक्चर uh, में मैंने आपको बताया कि जब हमारे फूड का मेटाबॉलिज़्म होता है उसमें से आधी जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और बाकी आधी जो है वो हीट के रूप में निकलती है और ये जो हीट है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायक होता है थर्मोरेगुलेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक ये जो थर्मो रेगुलेशन है नेगेटिव फीडबैक का एग्ज़ाम्पल है कैसे जब हमारे टेम्परेचर कम होता है तो शरीर में ऐसी क्रियाएं होने लगती है जो कि इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चालू हो जाती है यानी कि जब टेम्परेचर कम है तो एक्टिविटी बढ़ेगी उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और यदि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक्टिविटी होगी उसको कम करने के लिए तो ये एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है दी हाइपोथैलमस इन द ब्रेन इज़ द मास्टर स्विच दैट वर्क्स एज अ थर्मोस्टैट टू रेगुलेट द बॉडीज़ कोर टेम्परेचर और ये हमने शुरू के लेक्चर में आ, मैं बता चुकी हूँ कि थर्मोस्टैट जो शरीर का है वो हाइपोथैलमस है फ टेम्परेचर इज टू हाई हाइपोथेलमस कैन इनिशियट प्रोसेस टू लोअर द टेम्परेचर दिज इंक्लूड इनक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी टू अलाउ द डेसीपेशन ऑफ हीट थ्रू स्किन इनिसिएशन ऑफ स्वेटिंग टू अलाउ इवेपोरे वाटर ऑन द स्किन टू कूल इट्स सर्फेस यानी ये नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से है जब हमारा टेम्परेचर शरीर का ज़्यादा हो जाएगा टू हाई हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस था ऐसी क्रियाएं स्टार्ट कर देगा जिससे कि हमारा टेम्परेचर कम होए कन्वर्सली यानी कि इसके विपरीत यदि टेम्परेचर हमारा कम होता है गिरता है तो हाइपोथैलेमस इस तरीके से काम शुरू कर देगा जिससे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़े यानी कि शिवरिंग चालू हो जाएगी वे सो डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये किस प्रकार से होगा हमारे जो मसल्स है उसको सिग्नल दिए जाएंगे कि उनमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जिससे कंपन शुरू होगा हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको संदेश दिया जाएगा जिससे कि जो वेन्स हैं कैपिलरीज हैं उनका नैरो होना या उनका खुला खुलना ये आ, उनको निर्देश दिए जाएंगे तो जब हमारे शरीर से ऊर्जा को बचा के रखनी होती है कंजर्व करनी होती है तो हमारी जो वेंस है उनमें कंस्ट्रिक्शन होता है द बॉडी यूजेज मोर एनर्जी टू जनरेट मोर हीट इन एडिशन थायराइड हार्मोन विल स्टिमुलेट मोर एनर्जी यूज़ एंड हीट प्रोडक्शन बाई सेल थ्रू आउट द बॉडी इस तरीके से थायरॉयड हार्मोन को भी संदेश दिया जाता है जो कि फिर अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करके एनर्जी के इंक्रीज़ को या हीट के प्रोडक्शन को फेवर करती है द बॉडी यूजेज मोर एनर्जी एंड जनरेट मोर हीट

एनर्जी को खर्चा किया जाता है और ना एनर्जी को की बचत की जाती है अपने कोर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए फॉर अ नेकड ह्यूमन दिस इज एन एम्बियंट एयर टेम्परेचर अराउंड एट्टी फोर पॉइंट एट्टी फोर डिग्री फेरन हीट इफ़ द टेम्परेचर इज़ हायर फॉर एग्जाम्पल वैन वियरिंग क्लोथ द बॉडी कॉम्पनसेट विद कूलिंग मकैनिज़म द बॉडी लूज हीट थ्रू मेकेानिज़म ऑफ हीट एक्सचेंज और यदि हमारा शरीर जो है वो ठंडा है या गर्म है तो उसको बनाए रखने के लिए यदि हमारा शरीर गर्म है तो हमारे बॉडी से हीट एक्सचेंज हमारे शरीर से जो हीट है वो लूज़ होती है हीट एक्सचेंज की मेकेानिज़म के द्वारा ये डायग्राम है इस डायग्राम से हमें जो रोल है पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस का बॉडी के वेरियस ऑर्गन को जो निर्देश दिए जाते हैं सर्दी के लिए क्या करना है और जब गर्मी है तब क्या करना है ये इस डायग्राम से हमें क्लियर होता है मैकेनिज़म ऑफ हीट एक्सचेंज यानी जो हीट है ताप का जो एक्सचेंज होता है विनिमय होता है उसकी मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ हीट एक्सचेंज व्हेन एनवायरनमेंट इज नॉट थर्मो न्यूट्रल द बॉडी यूजेस फोर मैकेनिज्म ऑफ हीट एक्सचेंज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस हालांकि ये पिछले फर्स्ट वीडियो uh, लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में तो ये वही है कि किस मैकेनिज़्म या क्रियाविधि के द्वारा जो हीट है ताप है उसका विनिमय किया जाता है तो चार तरीके से हीट एक्सचेंज होता है ईच ऑफ दीज मैकेनिज़्म रिलाय ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ हीट टू फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन दे आर फोर ईच ऑफ द मेकेज़म ऑफ हीट एक्सचेंज वेरीज इन रेट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ द इनवायरमेंट ये जो क्रियाविधि है ये क्रियाविधि में हाई टेम्परेचर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो हीट है उसकी फ्लो का जो डायरेक्शन है वो होता है सबसे पहला जो हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म uh, है वो है कंडक्शन कंडक्शन इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कांटेक्ट विद वन एन अदर जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच जो हीट का आदान प्रदान होता है वह कंडक्शन कहलाती है वैन स्किन कम इन कॉन्टेक्ट विद हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जब हमारी स्किन किसी ठंडे या गर्म ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती है तो उस संपर्क में आए वस्तु से अगर गर्म वस्तु है तो उसकी हीट हमारे स्किन में ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू एयर सराउंडिंग द स्किन कन्वेक्शन के अंदर गर्मी या हीट की जो ट्रांसफ़र है हमारे शरीर से हीट की ट्रांसफ़र हमारे सराउंडिंग एरिया में या yes, वाटर है या एयर है द वॉर्म एयर राइज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इज रिप्लेसड बाय कूलर एयर दैट इज सब्सिक्वेंटली हीटेड और हमारे शरीर के संपर्क में यदि एयर है तो शरीर की जो गर्म गर्माहट है वो एयर में जाती है एयर वार्म होके वो ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी एयर हमारे स्किन के संपर्क में आ जाती है और अगेन वो फिर वार्म होती है हीट होती है राइज होती है और उसकी जगह पर ठंडी एयर जो है वो आ जाती है कन्वेक्शन कैन ऑल्सो अकर इन वाटर व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज़ लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर द बॉडी लूज हीट बाई वार्मिंग द वाटर और यदि हमारे शरीर uh, का टेम्परेचर बाहर के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर से जो गर्म है गर्माहट है वो ठंडे पानी में चली जाती है और इस तरीके से हमारे पास का जो पानी है वो गर्म हो जाता है और हमारे शरीर से जो गर्माहट है वो हम खो देते हैं विच मूव्स अवे टू बी रिप्लेस्ड बाई कूलर वाटर और जो एयर की ही भांति जो वो पानी हमारे स्किन के संपर्क में था अब वो गर्म हो के हट जाता है ऊपर उठता है और उसकी जगह ठंडे पानी की लेयर आ जाती है द कन्वेक्शन करेंट क्रिएटेड बाई टेम्परेचर चेंजेस कंटिन्यू टू ड्रॉ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी मोर क्विकली देन बॉडी कैन रिप्लेस इट रिजल्टिंग इन हाइपरथर्मिया और इस तरीके से हमारे शरीर से जब गर्माहट का ह्रास होता है नुकसान होती है तो हमारे शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा हीट का लॉस होता है उतना कि हमारे शरीर से भरपाई बराबर नहीं हो पाती है हीट के नुकसान की और हम हाइपरथर्मिया में चले जाते हैं या हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं हाइपरथर्मिया टर्म जब यूज़ करते हैं जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है हाइपोथर्मिया वो टर्म है जिसमें हमारे शरीर का टेम्परेचर लगातार घटता है तीसरी जो हीट एक्सचेंज के मेकेानिज़म है वो है रेडिएशन रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाया इन्फ्रा रेड वेव्स हीट की ट्रांसफ़र इन्फ्रा रेड वेव्स के द्वारा दिस अकर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन देयर टेम्परेचर डिफर्स दो ऑब्जेक्ट जिनके टेम्परेचर में विभिन्नता है उनके बीच इस प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज होता है अ रेडिएटर कैन वार्म अ रूम वाया रेडिएंट हीट ऑन अ सनी डे रेडिएशन फ्रॉम सन वार्म्स द स्किन द सेम प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम बॉडी टू एनवायरनमेंट। अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द हीट लॉस ऑफ बॉडी इज लॉस्ड थ्रू radiation evaporation evaporation is the transfer of heat by evaporation of water because it takes a great deal of energy for a water molecule to change from liquid to gas evaporating water in form of sweat टेक्स विद इट ग्रेट डील ऑफ़ एनर्जी फ्राम द स्किन एवेपोरेशन में हमारी जो स्किन की सरफेस है वहाँ पर जो गर्माहट है वो पानी के बूंदों के रूप में आ जाती है और शरीर के बाहर से जो गर्मी है वो निकलती है और ये जो पसीना पानी है ये पसीने के रूप में शरीर के बाहर आता है हाउ एवर द रेट एट विच एवेपोरेशन अकर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी और यदि बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म है तो इवेपोरेशन की जो गति है जो रेट ऑफ़ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है कि एनवायरमेंट में जो हवा है उसके अंदर मॉइस्चर कितना है यदि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो हमारे शरीर से पानी Uh, कम निकलेगा द मोर स्वेट इवेपोरेट्स इन लोअर ह्यूमिडिटी और हमारे शरीर से uh, ज़्यादा पसीना बाहर निकलता है जब हवा में पानी की मात्रा कम होती है यानी ह्यूमिडिटी जब लो होती है हाई ह्यूमिडिटी में हमारे शरीर से पसीना कम निकलता है स्वेटिंग इज़ प्राइमरी मीन ऑफ कूलिंग द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेयर एज एट रेस्ट अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ हीट लॉस्ड बाई बॉडी अकर थ्रू इवेपोरेशन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग के द्वारा इवेपोरेशन के द्वारा हमारे शरीर से गर्मी को बाहर निकाला जाता है ना वॉट इज मेटाबॉलिक रेट मेटाबॉलिक रेट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड minus द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड by द बॉडी कंज्यूम का मतलब वो एनर्जी जो हमने इस्तेमाल में ली है और एक्सपेंडेड का मतलब है जो हमने खर्चा किया है एक लेना और एक देना तो metabolic रेट है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड बेसल मेटाबॉलिक रेट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डेली एनर्जी एक्सपेंडेड बाय ह्यूमन एट द एट रेस्ट और बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा रेस्ट की पोजीशन में जितनी उससे उसके द्वारा खर्चा की जाती है